हेलो गाइस, आज जो मैं आप लोगों के साथ होम डेकोरेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ उसको बनाना बहुत ही आसान है। ये इस तरह से आप लोगों ने एक प्लेट तो देखा ही होगा जिसमें आप लोग चाउमीन या फिर मोमोज़ वगैरह खाते हैं। ये देखिए, इस तरह से सिल्वर प्लेट है। आपको इस वॉल डेकोरेशन को बनाने के लिए यही वाला डिस्पोजल प्लेट लेना है। ये देखिए, जो आसानी से मुड़ जाए। इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लूँगी एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, आप ये देख सकते हैं। आपके घर में कोई भी कार्डबोर्ड का हो, टुकड़ा हो, लाइक वो मिठाई का डिब्बा हो, किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं। और इसे किसी भी एक राउंड जिसका शेप हो, चाहे किसी चीज़ का कवर हो या कुछ भी हो, उसको इस तरह से रख के एक राउंड शेप में आप उसे पहले अच्छे से निशान लगा लीजिए पेन से, और फिर उसके बाद उसकी कटिंग कर दीजिए। ध्यान रहे कि आप ये जो कार्डबोर्ड को राउंड कटिंग में कट कर रहे हैं उसका शेप जो आपने डिस्पोजल प्लेट लिया है उसी के अकॉर्डिंग हो, यानी उससे छोटा ही हो। कभी कभी ये प्लेट मार्केट में बड़ा भी आता है, तो आप उस अकॉर्डिंग इस राउंड शेप को थोड़ा सा बड़ा कट करिएगा। मैंने यहाँ पे जो प्लेट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इसी शेप में कट कर लूँगी इसको पहले। मैंने यहाँ पे 3 कार्डबोर्ड के टुकड़े को राउंड शेप में कट किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 सिल्वर वाले डिस्पोजल प्लेट ली हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा डिस्पोजल प्लेट लेते हैं तो जितना डिस्पोजल प्लेट रहेगा उतना ही ये राउंड शेप का आप कार्डबोर्ड का टुकड़ा कट करिएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस डिस्पोजल प्लेट के ऊपर एक सिल्वर पॉलीथीन पतली सी चिपकी हुई है, ये देखिए। इसको मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही हल्के हाथों से बचा बचा के अच्छे से निकाल लूँगी। ये बिल्कुल पतली होती है तो बहुत ही आराम से निकालिएगा, क्योंकि पीछे इसके कागज़ होते हैं तो कागज़ का टुकड़ा फट ना जाए, तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते से निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से मेरे पास जितनी भी प्लेट है, यानी 3 प्लेट है, इन तीनों प्लेट को मैं आराम से, ये सारी जितनी भी ये सिल्वर पॉलीथीन है पतली पाली, इसको आराम आराम से मैं निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मैं लूँगी कैमलियन का मेटैलिक कलर। ये अलग अलग कलर में आता है, ये गोल्डन कलर का आता है, सिल्वर कलर का आता है, आपके ब्रिस्क कलर का आता है, अलग अलग कलर में आता है। आपको जो मन करे आप वो कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उठाया है गोल्डन कलर, और दूसरा एक ब्रिस्क कलर, यानी जो हल्के ईट कलर के होते हैं वैसा मैंने लिया है। और इसकी जो प्राइस होती है वो 20 से 25 रुपए के अंदर आराम से मिल जाता है। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे चले जाइए, वहाँ पे ये 25 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। तो अब मैं इस डिस्पोजल प्लेट को इस मेटैलिक कलर से कलर कर दूंगी। आप ये देख सकते हैं कि आपको इस प्लेट को कहीं से कुछ भी कट नहीं करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सिर्फ उसकी जो वाइट कलर की जो सिल्वर पॉलीथीन होती है उसको मैंने निकाला है, और निकालने के बाद इसको बहुत ही आराम से इसको कलर कर दूंगी। ध्यान रहे कि जब आप इस होम डेकोरेशन को बनाने जा रहे हो तो आप मेटैलिक कलर ही चूज करिएगा। जो एक प्लेन कलर या नॉर्मल सा कलर होता है उसको मत लीजिएगा, क्योंकि जो शाइनिंग मेटैलिक कलर में होती है वो नॉर्मल कलर में नहीं होती है, और ये अच्छा भी मेटैलिक कलर से ही लगता है। तो इसलिए जब भी आप परचेज करने जाइए मेटैलिक कलर ही लीजिएगा। आप जब भी इस डिस्पोजल प्लेट को कलर कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा जो ब्रश आप चला रहे हो वो एक ही डायरेक्शन में रहे, या तो अंदर से बाहर की तरफ आप कलर करिए या तो बाहर से अंदर की तरफ करिए। अगर आप ब्रश को चारों डायरेक्शन में चलाते हैं, यानी चाहे जिधर मन करे उधर कलर करते हैं, तो ये ड्राई होने के बाद ये मेटैलिक कलर बहुत ही गंदा लगेगा, और आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि ये होम डेकोरेशन बनाए। लेकिन अगर आप एक ही डायरेक्शन में करते हैं, यानी या तो आप अंदर से बाहर की तरफ करिए, अगर आप देख सकते हैं तो वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि मैं अंदर से बाहर की तरफ कलर कर रही हूं, और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये पूरे इस प्लेट को देखने में तो बहुत लग रहा है कि छोटा सा है, लेकिन जब आप इसे कलर करने लगेंगी
तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो बिल्कुल भी आप अपना पेशेंस बनाए रखिएगा और बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते से आराम आराम से एक ही डायरेक्शन में कलर करिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसको जब भी आप कलर करिएगा एक ही डायरेक्शन में कलर करिएगा। तो अब मैं इस पूरे प्लेट को अच्छे से कलर कर लेती हूँ और कलर करने के बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। यहाँ पे मैंने तीनों प्लेटों को कलर कर दिया है, दो गोल्डन कलर का किया है और एक ब्रिक्स कलर का किया है। ये अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, ये हल्का हल्का सा गीला है। इसके बाद मैं जो कार्डबोर्ड के टुकड़े को राउंड शेप में कट की थी इसके पीछे ये देखिए इस तरह से पेस्ट कर दिया है। बहुत ही आराम आराम से आप सेंटर में पेस्ट करिएगा, ये देखिए इसको मैंने जस्ट अभी पेस्ट किया है। तो बहुत आराम से इसको आहिस्ता आहिस्ता सेंटर में पेस्ट कर लीजिएगा और पेस्ट करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। पजल के पीछे वाले पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं कि अभी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद फाइनल मैं इसको वॉल पे पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है देखने में। इसको मैंने एक घंटे के लिए लगभग छोड़ दिया था, तो ये देखिए ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये पीछे से आप देख सकते हैं पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। और इसके साथ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ डबल साइडेड टेप, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये टेप ना हो तो आप ग्लू का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन डबल साइडेड टेप लगाने से ये आसानी हो जाती है कि अब जब चाहें जहाँ चाहें आराम से इसको चिपका सकते हैं। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है, आप पीछे से इस तरह से चिपका के और जो इसके पीछे एक कवर रहता है उसको आप आराम से निकाल दीजिए। अब मैं इसको यहाँ पे वॉल पे पेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये वॉल पे पेस्ट करने के बाद कैसा दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, और ये पेस्ट करने के बाद अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको सिल्वर डिस्पोजल से बनाया है। इसे दूर से देख के कोई भी नहीं बता सकता कि ये बिल्कुल ये मेटल का नहीं बना हुआ है। तो आप इस होम डेकोरेशन को जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपने व्यू को बिल्कुल शेयर करिएगा कि ये आपको वॉल डेकोरेशन आइडिया कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके आप तक सबसे पहले। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।